नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद ये भी करता हूँ कि लॉकडाउन आपका अच्छा बीत रहा होगा। लॉकडाउन आगे बढ़ने वाला है मेरे हिसाब से, तो लॉकडाउन में आप कुछ ना कुछ अपनी नॉलेज को गेन करते रहिए, कुछ ना कुछ नए सीखते रहिए, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहिए। और दोस्तों, क्रिएटिव की बात करूँ, अगर आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं अपना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीज़न क्यों? रीज़न ये कि YouTube एक नई पॉलिसी, एक नया प्रोग्राम आया है। अगर आप क्रिएटर हैं, अगर आप जैसी भी वीडियोस बनाते हैं, अपलोड करते हैं, ट्यूटोरियल चढ़ाते हैं, प्रैंक चढ़ाते हैं, या फिर आप जनरल नॉलेज की वीडियोस बनाते हैं, कुछ भी वीडियोस बनाते हैं या फनी वीडियोस बनाते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्यों? YouTube का एक नया प्रोग्राम आया, सेल्फ सर्टिफिकेट प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, तो ये प्रोग्राम के बारे में आपने देखा है नहीं देखा? नहीं देखा तो मैं आज आपको बताऊंगा पूरा प्रॉपर ट्यूटोरियल कि आखिर है क्या ये। और अगर देख भी लिया तो भी दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ताकि आप उसकी बारीकी समझ पाएँ कि ये प्रोग्राम कैसे आपके चैनल को इफ़ेक्ट करेगा, ये प्रोग्राम क्या आपकी अर्निंग को इफ़ेक्ट करेगा नहीं करेगा। अर्निंग को तो इफ़ेक्ट करेगा, ये मैंने आपको हिंट दे दिया। मैं पूरा ट्यूटोरियल वीडियो के एंड तक बताऊंगा, तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए दोस्तों एंड तक, और समझिए कि आखिर ये प्रोग्राम है क्या और कैसे आपके चैनल को इफ़ेक्ट करेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम बर्बाद करें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं दिखा दूं मेल किस तरीके का है, क्या क्या मेल आपको आया होगा। देखिए दोस्तों, हमारा चैनल है और इस पर मेल आया हुआ है, सेल्फ सर्टिफिकेशन इज नाउ लाइव फॉर योर चैनल। इस तरीके से लिखा होगा, सेल्फ सर्टिफिकेशन इज इन योर हैंड्स और यूट्यूब सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, हेल्प अस रेट योर वीडियो, रेट एक्यूरेटली, इन्फ्लुएंस योर मोनेटाइजेशन एक्सपीरियंस। इस तरीके का एक पूरा प्रॉपर मेल आया होगा। इसमें यूट्यूब बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहा है। इसमें वो बात कर रहा है कि आपके पास जो आप अर्निंग करते हैं वो किस तरीके से करेंगे, आप अर्निंग को उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, कि आप खुद अपनी चीज़ों के बारे में बताइए, अपनी वीडियो के बारे में इन्फॉर्म करिए हमें, ताकि हमारे लिए बेहतर हो सके कि आपको अर्निंग कैसे प्रोवाइड करानी है। तो सारी चीज़ों को मैं आपको एक लाइव दिखाऊंगा वीडियो अपलोड करके, तो आप आसानी से सीख पाएंगे और जान पाएंगे। बिकॉज अगर मैं आपको वैसी वर्बली बता दूं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, तो मैं आपको बस कंप्यूटर स्क्रीन पर इसलिए लेके आया हूं ताकि आप आसानी से समझ सकें और पूरा ट्यूटोरियल देख के अपने चैनल पे भी आप अप्लाई कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये मेरा चैनल है और आपको यूट्यूब पे आना है और अपनी वीडियो अपलोड आपको यहाँ से मैं अपलोड करूँगा। पहले यूट्यूब स्टूडियो है, उम्मीद करता हूँ यूट्यूब स्टूडियो यूज़ कर रहे होंगे। क्लासिक तो बहुत कम बंदे यूज़ कर रहे होंगे, बिकॉज ऑलरेडी वो एक्सपायर भी कर दिया है इन्होंने, अभी मैंने देखा था। दोस्तों जैसे मेरी ये वीडियो है, मैंने इसको क्या करा, अपलोड कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब ये मेरी वीडियो अपलोड हो रही है, अपलोड हो गई। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टाइटल्स की, यहाँ पे मेरी वीडियो अपलोड हो रही है, यहाँ मेरे डिस्क्रिप्शन में आ गए, यहाँ मैं थंबनेल्स लगाऊंगा, यहाँ मेरी प्लेलिस्ट होगी। ऑडियंस में पूछता है, इज दिस वीडियो मेड फॉर योर किड्स, मेड फॉर किड्स। अगर आपकी वीडियो किड्स से रिलेटेड करती है तो ही यस करिएगा, अदरवाइज नो, नो ही आप करेंगे। एज रिस्ट्रिक्शंस की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं यस और नो, इस तरीके से आप पूरा सेट कर सकते हैं। अगर आपको अपने नीचे कीवर्ड्स वगैरह डालने हैं तो मोर ऑप्शंस पर क्लिक करके सब कुछ, सब टाइटल्स वगैरह सब आप अपने डाल सकते हैं वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है सेकंड प्लेटफॉर्म पे, यानी मोनेटाइजेशन। ठीक है, डिटेल हो गया, सेकंड है मोनेटाइजेशन। मैं मोनेटाइजेशन पे जाऊँगा, इसने मेरे से पूछ लिया कि नो, मैं यहाँ पे नो, आपकी वीडियो करती नहीं करती, मैं इस पे नो पे क्लिक करूँगा। जैसे आप नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे जाएंगे, तो दोस्तों मोनेटाइजेशन पे आने के बाद आपको यहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑफ है, इसको ऑन करना पड़ेगा। जैसे आप इसको ऑन करके क्लिक करेंगे डन पे, तो आपकी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगी और यहाँ पे आपको पूछेगा कौन कौन से आप एड्स चलाना चाहते हैं। डिस्प्ले एड्स पे वो आपका, आप उस पर क्लिक नहीं करवाएंगे, वो चलेगा। ओवरले एड्स, स्पॉन्सर एड्स, स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, सारी चीज़ें आपको पता होंगी उम्मीद करता हूँ। अगर कोई भी क्वारी, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ लीजिएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। अब ठीक है दोस्तों, अब फिफ्थ ऑप्शन पर आते हैं, नेक्स्ट पे। जैसे हम एड सुटेबिलिटी पर आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, एड सुटेबिलिटी पर आते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो ये जो काम है ना आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हमसे पूछता है, डज योर वीडियो कंटेंट टाइटल डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब ये पूछता है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रेडियो रेट योर वीडियो एक्यूरेटली। इस पर हम क्लिक करते हैं, अभी कहता है द मोर एक्यूरेट योर रेटिंग आर, द मोर वी कैन रिलाई ऑन दैम व्हेन डिसाइडिंग which ads run on your videos. This can help you earn more revenue from ads. Intentionally misrupting your content can lead to your channel being reviewed for YouTube Partner Program eligibility. समझ रहे हैं आप? अगर आप नहीं समझ रहे तो कॉपी करिए और यहाँ से Google Translate खोल लीजिए। ठीक है दोस्तों, Google Translate खोल के इसमें यहाँ पर डाल दीजिए, यहाँ पर डाल दीजिए और इसको यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए।
ठीक है, अब मैं तो आपको जो समझ रहा हूँ मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर मैं आपको गूगल ट्रांसलेट में भी चेक कर लेंगे। ये कह रहा है कि जितनी अच्छी, अगर आप यहाँ पे अपना अपना सहभागी निभाएंगे, मतलब जितना आप इसमें इंटरेस्ट सही बताएंगे यूट्यूब को, उतने अच्छे उस तरीके के एड्स आप पे चल पाएंगे। हो सकते हैं नॉन स्किपेबल चले, जिस पे आपका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो, अलग अलग तरीके एड्स होते हैं वो चल पाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे गलत बोलेंगे इंटेंशनली, तो योर कंटेंट कैन लीड टू योर चैनल बींग रिव्यूड, आपकी जो चैनल का जो रिव्यूड है ना एलिजिबिलिटी, वो खतरे में आ सकती है। तो समझ रहे हो आप, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम एलिजिबिलिटी खतरे में आ सकती है, इस चीज़ का कहने का मतलब है। अब वही चीज़ आप गूगल ट्रांसलेट पर दे सकते हैं, आपकी रेटिंग जितनी सटीक होती है उतने ही हम उस पर भरोसा कर सकते हैं कि आपने आपके वीडियो पर कौन से विज्ञापन चलते हैं। इससे आपको विज्ञापन से अधिक आय अर्जित करने में मदद मिल सकती है। आपकी सामग्री को गलत तरीके से प्रस्तुत करने से YouTube सहयोगी कार्यक्रम पात्र के लिए आपको चैनल की समीक्षा की जा सकती है। तो ये खबर जो है ना, ये अच्छी नहीं है आपके चैनल के लिए। तो ज़रूरी है कि आप लोग यहाँ पर बिल्कुल सही चीज़ और सटीक चीज़ बारे बारे में इंफॉर्मेशन दें। वही इन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो अगर आपके में जैसे लाइट प्रोफेनिटी है, मतलब हल्का फुल्का, अगर आप हैल और डैम जैसे कुछ वर्ड्स का उपयोग कर रहे हैं, सो इसके लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सो आप इसको करेंगे तो इससे आपके चैनल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल स्टेटस आपका अर्निंग ग्रीन सिग्नल है, दैट इज़ गुड, नो इश्यूज, आपके कोई नहीं है, सेफ फॉर एड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कोई गाली वगैरह दे रहे हैं, कुछ यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोफेनिटी इन द टाइटल थंबनेल और ओपनिंग ऑफ अ वीडियो, स्ट्रॉन्ग प्रोफेनिटी इन द टाइटल और थंबनेल ऑफ अ म्यूजिक वीडियो, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, अगर आपने कुछ इस टर्म एंड कंडीशंस को अगर अपनी वीडियोस में अप्लाई किया है, तो आपका लिमिटेड अर्निंग हो जाएगी। तो ये आपकी अर्निंग को इम्पैक्ट कर रहा है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था। तो इन चीज़ों पे दोस्तों आपको क्या करना है, इन चीज़ों से आपको बचना है। आप अपनी वीडियो को इतनी मेहनत करते हैं, जेन्युइन कंटेंट बनाते हैं, उसको आपको जेन्युइन रखना है और इन चीज़ों को आपको उपयोग नहीं करना है, ताकि आपकी जो अर्निंग है वो लिमिटेड एड्स ना हो जाए। आपका ग्रीन हमेशा सिग्नल रहना चाहिए। और अगर आपका कुछ भी नहीं है, अगर आपका गलती से क्लिक हो गया, तो आप इसको अंडू करके आगे बढ़ जाएंगे। अब बात करता है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है एडल्ट कंटेंट। अगर आपका कोई भी एडल्ट कंटेंट है, अगर आप वही रोमांस किसिंग की बात करते हैं, तो अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आपको कहता है ठीक है, ओवरऑल नो इश्यूज। अगर आप जर्नली बात कर रहे हैं, अगर आपका चैनल ही उस तरीके का है, तो इसमें आपकी गलती है। आप उस तरीके बात कर सकते हैं एज एन सिंपल वे में, एज एन ज़्यादा आपको डीपली नहीं जाना है, ज़्यादा आपको उन चीज़ों पर फोकस नहीं करना है, तो आपका जर्नल क्या रहेगा, ओवरऑल स्टेटस ग्रीन रहेगा, नो इश्यूज यू हैव। लेकिन अगर आप करते हैं ब्लर्ड सेंसर न्यूडिटी और इवन इफ यूज फॉर एजुकेशन न्यूज और आई देन इन द कंटेंट फोकस ऑन सेक्सुअल बॉडी पार्ट्स, अगर आप कुछ इस तरह के कंटेंट चलाते हैं अपने चैनल्स पे, अगर आपको वही मैं बता रहा हूँ, तो आपके लिए ये फिर दिक्कत सामना हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। वही बोलता अगर एक्सपोज बेस्ट और फुल न्यूडिटीज, अगर आप कोई भी सेक्सुअल कंटेंट्स वगैरह चलाते हैं, तो वो आपके लिए और लिमिटेड हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें आप समझ रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ। अगर आप कोई भी करें तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ, अगर आपको इन कंटेंट को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको कॉपी करना है और कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट में डाल देना, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट आपको बता देगा पूरा कॉपी नहीं हुआ है, ये यहाँ से आपको ऐसे कॉपी कर लेना है और यहाँ से हटा के पेस्ट कर देना। धुंधला सेंसर की गई नगरता भले ही शिक्षा समाचार की जाति हो, यौन शोषण के अंगों पर ध्यान केंद्रित भले ही कवर हो, अंतरंग यौन अंगों को चर्चा नहीं है, यौन कर्तव्य मानव सेक्स के खिलौने या जन नागों के अथवा प्रतिनिधित्व है। तो दोस्तों ये आपके लिए दिक्कत हो सकती है अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो यही उम्मीद करूँगा कि हमारे जितने भी भाई लोग यूट्यूबर क्रिएटर्स हैं, वो अच्छी चीज़ बनाएंगे, अच्छी चीज़ लोगों को सिखाएंगे, ताकि उनका चैनल बन सके। लेकिन दोस्तों ये जो यूट्यूब का सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है ना, ये काफ़ी चैनल्स के लिए बहुत अच्छा भी है, काफ़ी चैनल्स के लिए दिक्कत कर सकता है। तो उनके लिए क्या है, उनके लिए ये चीज़ हो जाएगी कि भाई आप ये देखिए और अपने आप को बेहतर करिए, अपने चैनल को बेहतर करिए। वहीं अगर आप वॉयलेंस वगैरह को यूज़ करते हैं, अगर आप माइल्ड वॉयलेंस है, इंजरी वगैरह को रिलेटेड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ग्रीन रहेगा। रियल इंजरी वगैरह कुछ ब्लड शोर आप दिखाते हैं, तो उस पर लिमिटेड ऐड हो जाएंगे। वहीं अगर रियल इंजरी डेथ वगैरह कुछ दिखाते हैं, तो वही हो जाएगा। इस सारी चीज़ों के बारे में वॉयलेंस हो गया। अगर कोई भी दिक्कत आती है, गूगल ट्रांसलेट खोलना और इसमें पेस्ट कर देना, ठीक है। वहीं हार्मफुल और डेंजरस एक्ट्स को लेकर भी है, स्टंट्स वगैरह कुछ दिखाते हैं, स्लाइटली डेंजरस है, तो ठीक है, ग्रीन सिग्नल, नो इशूज। एक बार करके देख लेता हूँ, कहीं आप बोलेंगे नहीं बाद में आपने तो बोला था। ये देख लीजिए, अगर एक्सीडेंट्स वगैरह दिखाते हैं, प्रैंक्स और स्टंट दैट इन्वॉल्व हेल्थ रिस्क। देखिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी पॉइंट आ गया है यहाँ पे। अब प्रैंक्स और स्टंट्स दैट इन्वॉल्व हेल्थ रिस्क लाइक ड्रिंकिंग, ईटिंग नॉन एडिबल्स, डिस्कशंस, ट्रेंडिंग वीडियोस दैट शो दिस टाइप ऑफ कंटेंट,
तो अगर आपका चैनल उस तरीके का तो लिमिटेड एड्स हो जाएंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो यहीं पे आपको इन चीज़ों पे काम करना है, इन सब चीज़ों से भरना है। ड्रग रिलेटेड कंटेंट अगर आपका है तो आप यहाँ पे चेक करिएगा, ठीक है दोस्तों। इन सब में से कौन सी कैटेगरी, अगर नहीं समझ में आता गूगल ट्रांसलेट पे जाइए और कॉपी पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे आप समझ पाएंगे। हेटफुल कंटेंट है, फायर अलार्म्स रिलेटेड कंटेंट है, या सेंसिटिव इश्यूज हैं आपके, तो ठीक है। डिस्कशन ऑफ मॉडर्न एक्ट्स ऑफ टेरर इवेंट्स रिजल्टिंग इन अ कैटास्ट्रोफिक लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ और कंट्रोवर्शियल सोशल इश्यूज, एनालिसिस ऑफ एन ओपिनियन अराउंड सीरियस और टॉपिकल इवेंट नॉट डिस्क्राइब्ड अबव सच एज कोविड-19। कोविड-19 से रिलेटेड कुछ भी अगर आप चला रहे हैं तो आपके लिमिटेड एड सेफली चलेंगे। सेंसिटिव कंटेंट्स, आपको इन सब चीज़ों को जरूर ध्यान रखना है, ओपिनियन रखना है। सो इन सब चीज़ों पर अगर आप काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका चैनल बढ़िया चलता रहेगा। लेकिन अगर आपका चैनल दूसरे तरीके का है, आप इन सब चीज़ों को, आप गलत चीज़ों को, आप गलत चीज़ कहने का मतलब, आप गलत नहीं कहूँगा बिकॉज आपका चैनल है, आपकी रोजी रोटी है, आप उसको पे कुछ इस तरीके का कंटेंट डालते हो, तो प्लीज़ उससे बचिए और अपने चैनल को लिए ग्रीन बत्ती जलाए रखिए, जो कि बहुत आपके लिए बेहतर होगा, आपके आपके चैनल के लिए। वहीं अगर मैं बात करूँ डिस्कशन ऑफ मॉडर्न एक्ट्स टैरेट से रिलेटेड, अगर आप कोई चीज़ करते हैं तो वो लिमिटेड हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब अंडू पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद अगर आपका चैनल इनमें कुछ भी नहीं है, भाई आप तो सीधे साधे लोग हैं, हमारे चैनल पे कुछ सही का कुछ भी कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, तो नन ऑफ द अबाउट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करते करते वीडियो एलिमेंट्स आ जाएंगे, एंड स्क्रीन वगैरह लगाएंगे और विजिबिलिटी पे क्लिक करके पाँचों स्टेप्स हैं, तो मैं तो हो सकता है तब चार दिखाई दे रही हूँ, पाँचों स्टेप्स हैं ऑलरेडी स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स, पाँचों स्टेप्स को मैं इस तरीके से फॉलो करना है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन जरूर पूछिएगा। और साथ साथ दोस्तों आपको एक काम और करना है, ठीक है, अब इसके बाद आपको नेक्स्ट करके सारी चीज़ों पे आ जाना है। अब इसके बाद आपको जो काम करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको सर्च करना है यहाँ पे टॉप गुरुज, और टॉप गुरुज में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, ताकि हमारी जो भी कोई नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई, और आपकी कोई भी करें तो प्लीज़ आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ साथ दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज इस तरह की वीडियोस, जनरल नॉलेज वीडियोस और डिजिटल मार्केटिंग की सारी वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस, सारी वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। लगभग 250 के करीब हमने वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप जाके वहाँ पढ़िए, कुछ ना कुछ नया आपको जरूर सीखने को मिलेगा, लॉकडाउन का पूरा पूरा फायदा उठाइए। और दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो प्लीज़ आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, या फिर आप वीडियोस पे कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपके और उनको दूर कर सकें। दोस्तों यही समय है कुछ नया करने का, कुछ सीखने का, बिकॉज हम अपनी डेली जिंदगी में इतना भाग दौड़ में रहते हैं कि हम कुछ नया नहीं सीख पाते, तो यही समय ज़रूर कुछ सीखिए, ताकि आप बाद में एहसास कर सकें कि आपने ये प्लस पॉइंट अपनी जिंदगी में इस टाइम पीरियड में जरूर सीखा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहे, हम मोटिवेट आपसे होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।